Però दोनों बहन भाई अटे छटे में थे, ठीक है। सिस्टर का मर्डर हो गया, ससुराल वाले ने कर दिया था, ठीक है। फिर मेरी पत्नी वहाँ पर थी, फिर मेरे ऊपर दहेज का मुकदमा किया, ठीक है, वो झूठा भरा। फिर भरण पोषण का किया, मैंने पैसे भरे कोर्ट में, इसने उठाए तो ये पैसे ले रही, आना नहीं चाहती। फिर मैंने तलाक लगा दी, तलाक मेरा हो गया। उसके बाद समाज के लोग, पंचायत हुई कि समाज के लोग, उनका घर बिगड़ा है, अब अपना घर संभालो। तो लोगों की मान कर मैंने अपना घर बसा लिया है, उसी तो होगी ना, घर कौन बसना बिगड़ना चाहेगा। मैंने ये किया, किस्मत की बात है, जो संजो की बात है, उनसे हो गया। अब नई स्त्री से जिंदगी शुरू करेंगे। अभी हाल में एक जोड़ा घर गया है वापस अपने, लोक अदालत से उन्होंने राजीनामा किया है। धारा 13 का मुकदमा था, जो तलाक लेने के लिए आए होते हैं, वो आज सभी के प्रयास से, उनके परिवार, उनके अधिवक्तागण, न्यायालय, सभी मिलके प्रयास करते हैं और एक घर वापस बसा है। और कई प्रकरण इस घर के टूटने से जो बने थे, वो सब आज विड्रॉ होने जा रहे हैं। हमारे यहाँ राजीनामा करके उनका प्रकरण ख़त्म हो गया, दूसरी जगह अब करने जाएंगे। तो परिवार टूटना ज़िंदगी की सबसे दुखद, सबसे बड़ी पीड़ित, पीड़ा देने वाली घटना हो सकती है। परिवार ही देश का, समाज का, एक गाँव से परिवार, गाँव, शहर, एक ज़िला, एक स्टेट और पूरा देश उस परिवार से ही बना हुआ है। अगर एक परिवार टूट जाता है तो धीरे धीरे ये पूरे देश को तोड़ने की स्थिति भी बना सकता है। तो परिवार का बसना तो हर तरह से, न केवल उस परिवार के लिए बल्कि पूरे देश, समाज, सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा ये प्रयास बच्चों का, इनका रहा जो इन्होंने घर बसाया है। बाकी लोग भी इनसे प्रेरणा लें, ऐसे अपने घर बसाएँ, ऐसे ही लोक अदालत में सामंजस्य हम परिवारों में बैठाते रहें। और टूटे ही नहीं, हम तो ये चाहेंगे लोक अदालत में भी करना नहीं पड़े, लोगों को ये इससे शिक्षा मिले कि परिवार को जोड़ना ही बेस्ट है, उसको चलाए रखना ही बेस्ट है।